हेलो गाइस, मेरा नाम हसान सिद्दीकी है। मैं फ्रेगरेंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले हैं द मैन कंपनी के कुछ ड्यूडरेंट्स के बारे में। तो मुझे तो ये ड्यूडरेंट्स ही लगते हैं, लेकिन इन्होंने इस पर बॉडी परफ्यूम क्लेम किया। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसके बारे में कई लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि इसके बारे में बात करिए। तो कई महीनों पहले एक्चुअली मैंने इनको ऑर्डर किया था इनकी वेबसाइट पर। तो ये मैंने इनके कुछ ये चार प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने मंगाए थे। तो ये चारों मिला के मुझे कुछ 1000 रुपये के अंदर पड़ गए थे। तो तीन जो परफ्यूम्स हैं वो इसमें आए थे, इस बॉक्स में। बॉक्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये कंप्लीट सेट था इनका, पैक ऑफ थ्री। तो कुछ इस तरह से इसके अंदर ग्रास रखी हुई है। तो तीन परफ्यूम्स उसमें आए थे और एक जो है ये वाला वो अलग था। तो इनको मैंने यूज़ किया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं यूज़ किया है। सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है मैं आपको बताऊँगा, और जो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा उसके बारे में भी बताऊँगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से। इसका नाम है नुआर और पैकेजिंग ये पेपर है और ये बॉटल इनकी जो कैप है ये भी ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है। डीओ टाइप की ही पैकेजिंग है, लेकिन इसमें ये समझ लीजिए पेपर बॉक्स में आता है। तो इसको स्प्रे कर लेते हैं। स्प्रेयर इनके काफ़ी अच्छे हैं। इसमें एक सिट्रसी स्मेल है, इन्होंने इस पर बर्गमॉट लिखा है, और एक कार्नेशन फ्लावर जो होते हैं उसमें से किसी चीज़ की स्मेल है, और एक संदल की स्मेल है। तो ये एक अभी तो इसमें इनिशियली एक डीओ टाइप की स्मेल आ रही है। डीओ टाइप की जो एक टिपिकल स्मेल होती है काफ़ी सिंथेटिक सी, वो है इसमें। बर्गमॉट ऑलमोस्ट गया ये समझ लीजिए। थोड़ा सा वुडी है, स्पाइसी है। और ये जो नोआर है इसने मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। और इनकी जितनी ये जितने चारों हैं, चारों की लॉन्जिविटी मुझे किसी भी की 4 से 5, 5 से 6 कुछ इसी तरह मिलती है, बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करते हैं। अब बॉडी परफ्यूम इन्होंने किस हिसाब से रखा है ये मुझे नहीं पता। तो ठीक है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। नोआ करके इन्होंने इसका वो रखा है। और ये 120 ml के ये सारे पैक्स हैं, और इस पे जो MRP लिखी हुई 349 रुपये, लेकिन ये सेल पे मिल जाते हैं ठीक ठाक रेट पे, यानी कभी 250 पे मिल जाएंगे, कभी 300 के मिल जाएंगे। तो ठीक है, नोआर ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। फिर है ये ब्लू, तो स्प्रे करते हैं। नोट्स में इन्होंने लिखा है बर्गमॉट, ब्लैक पेपर एंड बेजिल। तो ये मुझे थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है प्राइस के हिसाब से, जिस हिसाब से मिल रहा है तो इस हिसाब से मुझे ये सही लग रहा है। थोड़ा सा सिट्रसी है, हल्का सा एक पेपर जो इन्होंने लिखा ब्लैक पेपर इसकी स्मेल है, थोड़ा सा स्वीट लग रहा है मुझे ये। तो ये थोड़ा मुझे नोआर से ज़्यादा अच्छा है। ये इनका ब्लू है, इसकी लॉन्जिविटी भी यही है, कुछ 4 से 5 घंटे रुकता है, बहुत ज़्यादा नहीं रुकता है। और तीसरा हो गया ये रूज। तो रूज जो है, रोज में नोट्स में इन्होंने दिया बर्गमॉट संदल प्लस एम्बर वुड इन्होंने लिखा। अब एम्बर वुड क्या होता है ये पता नहीं। तो उसको स्प्रे कर दे। स्प्रेयर इनके काफ़ी अच्छे हैं, ये भी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। हो सकता है ये जो लोग डीओ से परफ्यूम में शिफ्ट हो रहे हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब इसमें सिर्फ अभी तक मैंने जो 3 ट्राई किए इसमें से ब्लू ज़्यादा अच्छा लगा, रूज और नोआर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। हाँ, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया ब्लैंक, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको मैंने आई बिलीव 2-3 बार लगाया होगा, इसको काफ़ी लगाया है। ये समर में अच्छा चलता है, 5 से 6 घंटे रुकता है कपड़े और स्किन पे मिला के। हाँ, ये अच्छा है। इसमें जो नोट्स इन्होंने दिए हैं लेमन, लवेंडर और मस्क, मस्क आई बिलीव वाइट वाला ही होगा। तो ये जो है ब्लैंक ये मुझे थोड़ा ज़्यादा सही लगता है कंपेयर टू अदर्स, जैसे रूज हो गए, ब्लू और ये नोआर, ये जितने हो गए। तो ये काफ़ी दिनों से मेरे पास है। और मैं एक फ़नी स्टोरी बताता हूँ, जब मैंने इनको ऑर्डर किया था इनकी वेबसाइट से,
तो उस पर इन्होंने लिखा कि आप बस एक बियर पीजिए, 2-3 दिन में आपका माल पहुंच जाएगा। तो किसको क्या मेल भेजना है इनको ये भी नहीं पता है, मतलब चाय बोल देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि नहीं। लेकिन मार्केटिंग में थोड़ा सा सही करिए भाई, ये ऐसा मेल सबको नहीं भेज देते कि बियर पियो, हल्का भी बोल दे बोले एक वाइन पियो विस्की पियो, तो ऐसा नहीं है ना। तो चाय के लिए बोलिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। और बाकी मेरा जो इसके ऊपर अगर मैं फाइनल वर्डिक दूँ तो मुझे ब्लैंक ज़्यादा सही लगा। आप लोग भी इसको ट्राई करिए, ये समर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं समर में मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा लगाया है, तो अगर आप लोगों में से किसी ने इसको ट्राई किया है तो बताइए मुझे ये कैसे लगते हैं आपको। तो ब्लैंक के बारे में मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा, और बाकी इनके बारे में सोच रहा हूँ कि थोड़ा और लगाऊँ, फिर इनके बारे में बात करेंगे। तो मैं इन परफ्यूम्स की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनको चेक करिए और बताइए कि कैसे लगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको ज़्यादा अच्छी लग गई हो। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।